जैसे ये लेवर, हाँ इसके अंदर ये भी, जैसे अंदर भी लेवर करवा रखा है, जैसे ये स्वास्तिक ओम बीच में, वो स्वास्तिक। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो पे। दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूँ आगरा शहर की मारवाल मंदिर शॉप पर। दोस्तों आपको यहाँ पर अलग अलग डिज़ाइनों में मंदिर मिल जाते हैं। और दोस्तों यह जो शॉप है वो आगरा शहर के सिकंदरा रोड पर मौजूद है, आगरा सिकंदरा बोदर रोड पर। और क्या प्राइस के मंदिर की रहने वाली है और कौन कौन से साइज़ के मंदिर यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। बस आपको वीडियो पूरा एंड तक देखना है। और दोस्तों यहाँ पर आपको 1x1.5 से लेकर के 2x5 फीट तक के मंदिर आपको मिल जाते हैं। अगर आप चाहो तो ऑर्डर देकर बड़े साइज़ का मंदिर भी बनवा सकते हो। तो सारी जानकारी के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, और कैसे कैसे ध्यान मिलने वाले हैं और क्या प्राइस रहने वाले हैं इसको जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना है। और चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। एड्रेस बताया आपकी दुकान का? ये सिकंदरा बोदला रोड सेक्टर 5 आवास विकास कॉलोनी। ये मंदिर आपके पास कौन कौन साइज में मिल जाते हैं? ये 1.5 फुट से स्टार्ट है, फिर जैसा आप चाहें वैसा। जैसे रेडी में 5 फुट 5x2। हाँ इसके अलावा कोई ऑर्डर लेके बनवाना चाहते हैं? नहीं, वो तो फिर वहाँ वहीं घर जाके ही बनता है। अच्छा, घर पे जाके बना दो। हाँ हाँ हाँ, जैसा चाहे वैसा। ये कहाँ से स्टार्ट होती रेंज आपकी मंदिर? जैसे हमारा रेंज ये है सबसे छोटा पीस। अच्छा, ये सबसे छोटा साइज है। हाँ, कैसा डिजाइन है इसको और क्या साइज? इसे गुजराती डिजाइन बोलते हैं। अच्छा, ये 1.5 फुट ऐसे है और 1 फुट ऐसे, 1.5x चौड़ाई इसके। हाँ, इसे बोलते हैं 1.5x1। हाँ, 1.5 ऐसे हो जाएगा और 1 ऐसे। और इसके अलावा इससे बड़ा साइज कौन सा? इसके अलावा ये है। कॉस्ट क्या है इसकी, रेट कितनी की कीमत है इसकी? नहीं, उसकी 3000 रुपये। 3000 रुपये? हाँ। और भाई कौन सा मारवाल है ये? मोरवड। मोरवल? मोरवड। मोरवड, हाँ। और ये भी मोरवड ही है ना? हाँ, ये भी मोरवड ही है। क्या कॉस्ट है इसकी मंदिर की? ये 3500। 3500। और साइज क्या है इसका? इसका है 2x1। 2x1। हाँ। और इसके अलावा और कौन सा साइज से बड़ा? इससे बड़ा ये है, ये 3.5 का है। 3.5? हाँ। ये कौन सा मार्बल है इसमें इस्तेमाल किया गया है? इसमें अगरिया। अगरिया, हाँ। तो कोई काला नहीं पड़ेगा ना? नहीं, ये काला नहीं पड़ेगा। गारंटी रहती है मंदिर में? हाँ, गारंटी है, काला नहीं पड़ेगा। अच्छा, डिजाइन बताइए होगा कैसे? वैसे धूपबत्ती अगरबत्ती से काला हो सकता है। अच्छा, लेकिन वैसे काला पीला नहीं पड़ेगा। अभी ये चीज़ डिजाइनिंग लगाएगी, कलर वगैरह जो निकलेंगे तो नहीं? नहीं नहीं, नहीं निकलेंगे, पानी से भी या किसी से भी करो लेकिन निकलेंगे नहीं। ये कितना भी धो सकते हैं? हाँ, किसी से भी धो, बस तेज आग को छोड़ करके। हाँ, अभी कौन सा कलर यूज किया गया? इसे बोलते हैं एम्बोस। एम्बोस कलर? हाँ। कभी निकलेगा नहीं? नहीं नहीं निकलेगा, कहीं से भी घिसे लेकिन निकलेगा नहीं। दो सकते हैं आराम। हाँ हाँ। अभी क्या कॉस्ट बताइए इसके? 14000 रुपये। हाँ। इसके अलावा जैसे ये एम्बोस होगा, ये वाइट में, वाइट मार्बल। हाँ, ये भी अगर ये वही है। जैसे जैसे हमारी डिजाइन बोलते हैं छतरी। छतरी? हाँ, इसका साइज है 3x2 का, 3x2। 19000 रुपये। इसे बोलते हैं इल्लेवर्क। हाँ, ये पत्थर के अंदर खुदाई कर करके, ये भी 3x2 है। जैसे ये पत्थर के अंदर खुदाई करके जब बनाते हैं इसे, खुदाई कर इसे इल्ले वर्क बोलते हैं। इल्ले वर्क? हाँ, पूरे मंदिर में इल्ले वर्क किया गया है। हाँ, पूरे मंदिर में इल्ले के वर्क जो कि अंदर खुदाई करके डाला जाता है। हाँ हाँ, बिल्कुल। हाँ, फिर वो बिल्कुल प्लेन, ये समुद्र में सीप निकलती है। अच्छा अच्छा, हाँ वो सीप। और इसकी ये भी है दराज, है जैसे सामान रखने के लिए, पोशाक वगैरह, पूजा का सामान। हाँ, क्या साइज बता रहे? ये 3x2 है। 35000 रुपये। 35000? हाँ, जैसे अगर कोई रिक्वायरमेंट रखते हैं तो वो भी हो जाता है। डिलीवरी घर के लिए चाहे तो पहुँचाने का? हाँ, डिलीवरी हो जाती है। हाँ हाँ हाँ, ऐसा भी हो जाता है।
बताइए और आगे भी आपका। ये भी 3x2 ही है। जैसे ये एम्बोस बोलते थे, हाँ हाँ, और इसे ऊपर के टॉप को छतरी बोलते हैं हम। 21,000 रुपये, 3.5 फुट है इसकी ये चौड़ाई, और गहराई है इसकी 1.25 फुट, लंबाई 6 फुट। कौन सा मार्बल का है ये भी अगर ये आ गई है, हाँ हाँ, इसमें ये ऑल पट्टी दे रखी है। लाइट भी और भी लगा सकते हैं, हाँ लाइट और भी लगा सकते हैं, एलईडी लाइट वगैरह लगी हुई इसके अंदर। हाँ ये क्या कॉस्ट है इसकी? 24,000 रुपये। और बताइए ये गुजराती पैटर्न बोलते थे, गुजराती पैटर्न। हाँ ये कौन सा मार्बल है? ये मोरवर्ड है, डिजाइन किया हुआ है ना। हाँ लेकिन ये डिजाइन छूटेगा नहीं, निकलेगा नहीं, कैसा भी धो सकते हैं। हाँ ₹8,000 गढ़ाई बोलते हैं, गढ़ाई जैसे हाँ खुदाई करके, जैसे ये हाथी दर्शाया हमने, और ये जाली वाली, और वैसे कोई चाहे तो अपने साथ ही डिजाइनिंग करवा सकते हैं। हाँ बिल्कुल करवा सकते हैं, जैसे जो पसंद आए उन्हें वो भी हो सकता है। क्या साइज है इसका? ये 2x2। क्या कॉस्ट है इसकी? 6,500। बताइए। ये है 2.25 फिट। हाँ कौन सा डिजाइन है ये? गुजराती, गुजराती है। हाँ साइज 2.25 फिट। हाँ 2x2 सवा फिट। हाँ ये दराज भी है इसकी। हाँ इसकी दराज की कितनी लंबाई होगी वैसे? अंदर तक गहराई पूरी लंबा भी है, खाली है पूरा, आराम से काफी ज्यादा सामान रख सकते हैं। हाँ अंदर से भी आप देख सकते हैं काफी बड़ी जगह है, इसमें स्पेस काफी ज्यादा है। ये तो कितने है इसकी? 5,500। ये है 3x2 फुट। हाँ इसमें ये दराजें दे रखी हैं सामान रखने के लिए, ये रेलिंग, इसे रेलिंग पिलर बोलते हैं, शो के लिए लगा रखी है हमने ये, और ये ऊपर इसका गुम्बद छतरी में दिया है। हाँ इसे छतरी बोलते हैं, राउंड में। क्या कॉस्ट है? 16,000 रुपये। हाँ हाँ होम डिलीवरी भी हो जाती है। जैसे ये लेवर, हाँ इसके अंदर ये भी, जैसे अंदर भी लेवर करवा रखा है, जैसे ये स्वास्तिक ओम बीच में, वो स्वास्तिक दोनों साइडों में स्वास्तिक मिलेगा आपको, और बीच ओम है। हाँ ऐसे डिजाइन है कि मैंने कि कितना भी आप साफ कर सकते हो। हाँ हाँ ये टकराएगा भी नहीं है इस तरीके से, ये 3x2। हाँ 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 ये सामान रखना जरूरी है ना, सामान कहाँ ले जाएंगे तो इसमें सेफ रखा रहता है। जैसे हम खुदाई करके पहले, खुदाई करके जब इन्हें भरते हैं हम, जैसे एक एक पीस बनाएंगे इनमें से, जैसे इसमें 5 पीस हैं, ये 5ों को तैयार करेंगे, जब फिर इनकी मार्किंग करेंगे, जब खुदाई करके जब इन्हें भरेंगे, हाँ फिर इन्हें घिसेंगे, घिसने के बाद जब तैयार होता है निकलता नहीं, ले आया ना? नहीं निकलेगा नहीं, वो गारंटी वगैरह की नहीं है। हाँ नहीं गारंटी है, निकलेगा नहीं और टकराएगा भी नहीं। हाँ ऑल टाइम है, कभी नहीं निकलेगा। हाँ हाँ केवल, हाँ नहीं धब्बे वब्बे भी नहीं आएंगे, लेकिन हाँ जैसे अगर उनके यहाँ टूटता है तो टूटने की कोई गारंटी नहीं है। हाँ 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 उसकी कोई गारंटी नहीं है। क्या कॉस्ट हो रहा है? 28,000 रुपये। ये इलेवर की है ये। हाँ ये जैसे राम मंदिर की तरीके से 3 डिजाइन दे रखी है। हाँ हाँ और ये निकलेंगे नहीं, नहीं निकलेंगे ये। क्या
क्या साइजेस करोगे? ये 3.5x2। साढ़े तीन बाई दो हाँ ये इसमें दराज है। हाँ ये काफी गहराई इसकी होगी अंदर। हाँ पूरी 2 फुट गहराई है अंदर तक। हाँ हाँ पूरा चलाएगा। ₹35,000। ये कोने राउंड कर दिए ताकि टकराए ना किसी से। हाँ दुकान पर तैयार होने वाला सबसे बड़ा साइज यही है इसे। ये 5x2। हाँ ये गुम्मट है छतरी वाला। हाँ इसमें ओम स्वास्तिक दे रखे हैं सबके लिए, जैसे बीच में ये ओम हो गया और ये स्वास्तिक। ये 5 स्टेप बना रखी है इसमें। हाँ नीचे ये एक कलश बोलते हैं इन्हें। हाँ हाँ ये जल्लर टाइप में ये ताकि, और इसमें पर्दा भी डाल सकते हैं जैसे यहाँ से। हाँ ये 5x2 है। हाँ और ये दराज है इसमें सामान रखने के लिए दोनों साइडों में। दो दराज मिल जाती है आपको इधर साइड में। हाँ और एक ही था। हाँ हाँ डबल रेलिंग है और जैसे पूजा की थाली वाली रखने के लिए स्टेप दे रखा है। कौन सा मार्बल है ये? ये अगरिया वाइट। अगरिया हाँ ये काला भी नहीं पड़ेगा, डब्बा भी नहीं पड़ेगा। हाँ ये काला पीला नहीं पड़ेगा। क्या कॉस्ट है इसकी? ₹45,000। हाँ ये तुलसा जी दोस्तों इस शॉप पर आपको मार्बल मंदिर के अलावा यहाँ पर आपको तुलसा जी के गमले भी मिल जाते हैं अलग अलग साइजों में। वाइट मार्बल में आप लेना चाहते हो तो वो भी मिल जाते हैं और अलग अलग कलरों में अलग डिजाइनों में आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जिसके मेरे सामने की तरफ देख रहे हैं। और अब मैं आपको भैया से पूछकर इनके प्राइस के बारे में बताता हूँ। ये तुलसा जी का गमला वही क्या साइज है इसका? ये 2.5 फुट ऊँचा। हाँ और 1 फुट है ऐसे चौड़ाई इसकी। चौड़ाई 1 फुट है। हाँ और 2.5 फुट ऊँचाई है इसकी। ये ₹2,500। हाँ इससे बड़ा? इससे बड़ा ये रहा। ये कितना साइज है? ये 3.5 फुट है। 3.5 फुट लंबाई है। हाँ और 1.5 फुट वाइट मार्बल है ये ना? हाँ वाइट मार्बल है ये। ये इसकी क्या कॉस्ट है? ये ₹4,000। ₹4,000 ये नहीं ये वो है ग्रेनाइट। अच्छा ग्रेनाइट पत्थर है। हाँ इसकी क्या कॉस्ट है? इसकी ₹5,000। लंबाई कितनी है? इसकी भी 3.5 फुट ही है। हाँ और ये कलर वो अलग पत्थर है वाला। हाँ हाँ जिसे ग्रेनाइट बोलते हैं। ग्रेनाइट जो रसोई वगैरह में यूज होते हैं। हाँ 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 वही ग्रेनाइट है। इनमें कोई डब्बा वगैरह नहीं लगते, साफ रहता है ना? हाँ साफ ही रहता है ये। और भैया शॉप का लोकेशन एक बार और बता दीजिए मुझे, कहाँ पर पड़ती है आपकी दुकान? ये सिकंदरा बोदला रोड पर है, सेक्टर 5 आवास विकास कॉलोनी। लेफ्ट साइड में? हाँ जैसे सिकंदरा की तरफ से आएंगे तो लेफ्ट साइड में, अगर बोधला की तरफ से आएंगे तो राइट साइड में। ये शॉप का नाम क्या था एक बार बताइए? भगवती मंदिर हाउस। और दोस्तों यह थे मंदिरों की वीडियो जो कि आगरा शहर में लोकेटेड है यह शॉप। यहाँ पर आपको सभी साइजों के मंदिर मिल जाते हैं। भैया ने सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दे दी है। यहाँ पर आप आकर आप मंदिर अपने हिसाब से देख सकते हैं और डिज़ाइन भी आप अपने हिसाब से डलवा सकते हैं और साइज जो चाहो मन करे वो आप बनवा सकते हो ऑर्डर देकर भी, और घर बैठे आप मंदिर यहाँ से मंगवा सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस शॉप का पूरा एड्रेस और लोकेशन मिल जाएगी। बाकी दोस्तों कुछ भी आपकी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आप दोस्तों किस प्रकार का और वीडियो मेरे इस चैनल पर देखना चाहते हो तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ऐसी वीडियो देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ ऐसी किसी नई वीडियो के साथ। तभी नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।